फ्रेंड्स हमारी में रमनजन, आज हम बात करेंगे एक सीमेंट कंपनी के बारे में जो कि काफ़ी ग्रो किया है इन 5 सालों में, या अगर देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में भी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और काफ़ी अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया है। और अब कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं और कंपनी ने 25 रुपये का लगभग 250% का जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर्स थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़ा दिया है। ये आप देख सकते हैं 4300 के करीब ये स्टॉक चलता था और लगभग 20,000 रुपये टच किया था इस स्टॉक ने, और अब ये चल रहा है 15,900 के करीब। और ये कंपनी है श्री सीमेंट्स लिमिटेड, तो काफ़ी मीन्स ग्रो इस स्टॉक ने किया है। अगर लेना है किसी को तो मेरे हिसाब से थोड़ा नीचे के लेवल पर लीजिएगा, क्योंकि इसका 52 वीक लो 13,100 का है जो कि लेटेस्ट है, और 52,000 हाई 19,290। तो अगर लेना है तो थोड़ा नीचे अगर आता है 13,000-13,500 तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ चल रहा है और फिर से जो है ये कंपनी का स्टॉक जो है ग्रो करेगा। और इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो उसी के कारण जो है आपको एक अच्छा मौका नीचे के लेवल पर भी मिल सकता है अगर नीचे आया तो। इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 2018 में 500% का डिविडेंड भी दिया और अब जो है इंटरिम डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है 250% का जो कि 25 रुपये के करीब होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर आप देखेंगे, मैंने रिजल्ट्स निकाला है BSE की साइट से, तो आप इजीली देख सकते हैं इनके जो सेल्स के टर्नओवर है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 2,835 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर के अंदर दिसंबर के, और सितंबर क्वार्टर में 2600 करोड़ के करीब, और लास्ट ईयर 2017 की बात करेंगे तो 2390, मीन्स रेवेन्यू बड़ा है दोनों क्वार्टर से लेकिन एक्सपेंसेस भी थोड़े बड़े हैं, तो उसी के कारण जो है प्रॉफिट के ऊपर भी थोड़ा असर पड़ा है। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 301 करोड़ का इसका प्रॉफिट निकला है इस क्वार्टर के अंदर, और लास्ट क्वार्टर के अंदर 49.33 करोड़ का प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर 333 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब यह है कि 10% जो है प्रॉफिट लास्ट ईयर से डाउन हुआ है, तो ये एक चीज़ है कि स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आ सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो नीचे के लेवल पे भी आपको मिल सकता है ये स्टॉक, तो आप इजीली ले सकते हैं अगर आपके पास इतना बजट है तो। तो आज इसी के बारे में बोलना था। और डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 25 रुपये का जो कि 250% का होता है, और रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 30 जनवरी 2019, और 1 फरवरी से ये कंपनी जो है डिविडेंड देना चालू कर देगी। तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके अगर आपके पास स्टॉक है तो। आज इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। चलिए, थैंक यू।